ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। करके देखो साहब आप, ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदे के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस ज़रूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते, आप हैदराबाद को अमन को ख़राब करना चाहते हैं। और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए है इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसली नहीं मिली इनको यहाँ का भारत देश में, सो मुसलमानों को उन्हें जीने नहीं देते, नहीं देते जीने, क्या करते इन यहाँ के मुसलमानों को, गरीबी हटो पहले। ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप, कैसा करते साहब। अरे पसमंद की लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे, पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे। हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं, अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसलिए हमारा भी एक वीडियो है, समझ में आया। अभी इसी देख रहे नहीं देख रहे, इसी अगर सही में देख लेता थे ना इनको, एक बार नहीं बार बार सालों के पीछे बैठना पड़ता। फिर अकबरुद्दीन साहब परसों रोए देखो, अब मालूम नहीं मालूम कांग्रेस वाले क्या करते हैं इनके साथ।